जनता पार्टी की सब नीतियों के पक्ष में लोग खड़े हैं, और जब आप आसपास नजर घुमाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब लोगों का प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है और दिल्ली में सरकार बीजेपी को लाना है। लेकिन जो दिल्ली की सरकार है वो कह रही है कि हमारी नीतियों से लोग खुश हैं, हमने सब्सिडी दी है दिल्ली। भैया प्रचार प्रसार और जमीनी काम में अंतर होता है। आप इनसे किसी एक चीज के ऊपर, अभी ये मोहल्ला क्लिनिक दुनिया भर में चिल्लाते हैं ना, इनका वायदा था 5000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाने का, एक भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बनाए, और यहाँ तक कि जच्चा बच्चा की जांच और प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जो भी ज़रूरत होती है वो एक भी नहीं है। और मोहल्ला क्लिनिक एट बेस्ट अगर कहा जाए तो सब हेल्थ सेंटर ए कैटेगरी है, वो भी बी नहीं है, उसमें भी वो सुविधाएँ नहीं है जो सुविधाएँ हेल्थ सेंटर की होनी चाहिए। और कुछ घंटे के लिए वहाँ पे डॉक्टर बैठता है, सैरिडॉन क्रोसिन देने मात्र से स्वास्थ्य का हल नहीं होता, जहाँ जबकि दिल्ली की जनता को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो सकता था अगर आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाती। ये सब सरकारी पैसा कैसे उड़ाया जाता है, वो योजनाएं हैं। सर दो सवाल हैं कि दिल्ली की जनता बीजेपी के इस बार साथ देगी, और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी से मुख्यमंत्री पद का चेहरा पूछ रही है। देखिए जहाँ तक दिल्ली की जनता का प्रश्न है, मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता बीजेपी के पक्ष में खड़ी है और वो आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। और जहां तक चेहरे की बात है, क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या रहती है, वो आपके सामने आ जाएगी। और दूसरी चीज, जो भाजपा के कार्य करने की तरीके को नहीं पहचानते वो इस तरीके की बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी में चेहरा सिर्फ कमल का होता है, बाकी लोग उस के पीछे ही होते हैं। तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो पार्टी के अन्य पदाधिकारी हो, हर सीट के ऊपर हर जगह पर कमल का फूल ही खिलना है और कमल का फूल ही बैठा हुआ मिलेगा।